दोस्तों आज सुबह सुबह ये अपडेट निकल कर आ चुकी है कि जिंदर माल ने WWE को क्विट कर दिया है। आखिर क्या है इसके पीछे का ये रीज़न, आखिर क्यों जिंदर माल ने WWE को क्विट कर दिया है, तो ये सब पता चलेगा आपको आज की वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, मेरा टाइम करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज सुबह सुबह जिंदर माल ने यह ट्वीट किया कि जिंदर माल ने WWE को क्विट कर दिया है। 90 डेज के बाद जिंदर माल दूसरी कंपनी के साथ साइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यही ट्वीट जया ली ने भी किया है कि उन्होंने भी WWE को क्विट कर दिया है। दो सुपरस्टार जो कि WWE को क्विट कर चुके हैं। दोस्तों जया ली का तो हमें पता नहीं आखिर जया ली ने WWE को क्यों क्विट किया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है जिंदर माल इंडिया में WWE को रिप्रेजेंट करते थे और आज जिंदर माल ने WWE को क्विट कर दिया है। इसके पीछे का दो ही रीज़न हो सकता है, या तो जिंदर माल अपनी बुकिंग को लेकर WWE से निराश हो कि WWE जिंदर माल को अच्छी बुकिंग नहीं दे रही है, WWE 3-4 साल से जिंदर माल पर इतना फोकस नहीं दे रही है, इसलिए बुकिंग भी जिंदर माल की अच्छी न होने पर जिंदर माल WWE को क्विट कर सकते हैं। और दूसरा रीज़न यह हो सकता है कि जिंदर माल की WWE के साथ बहस हुई होगी क्योंकि WWE जिंदर माल को इतना अच्छा पुश नहीं दे रही है। साथ ही साथ जिंदर माल 90 डेज के बाद दूसरी कंपनी के अंदर जा सकते हैं। 90 डेज के बाद जिंदर माल दूसरी कंपनी के अंदर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका क्या रिएक्शन था जब जिंदर माल ने WWE को क्विट किया? आपके अकॉर्डिंग जिंदर माल का ये डिसीजन सही था या गलत, ये कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर जो भी नए सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।